जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। सबसे पहले समझ लेते हैं यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। किसी भी कमोडिटी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना पावर होना चाहिए जिससे वो आपके वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके, इसे ही कहते हैं यूटिलिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, जिसके आपको 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, सेकंड पॉइंट मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड पॉइंट शेड्यूल ऑफ TUN MU, फोर्थ पॉइंट डायग्राम ऑफ TUN MU, फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। बट हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे के 2 मीनिंग्स को समझना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को आरंभ करें। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, शेड्यूल ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इस पॉइंट को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। अज्यूम करो कि पोपटलाल की शादी रानू मंडल के साथ फिक्स हो गई और पोपटलाल को अभी अभी पता चला कि रानू की 7 बहनें भी हैं और उनका नाम है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और उन बहनों ने पोपटलाल को घर पे मुंह मीठा करने के लिए बुलाया है। तो देखते हैं क्या होगा पोपटलाल का आज रात 9 बजे। अब हमारे पोपटलाल को 7 रसगुल्ले 7 अलग अलग सालियों के हाथ से खाने पड़ेंगे। सबसे पहली साली, हाय जीजू, मैं मंडे और ये रसगुल्ले मैंने आपके लिए बनाए, वो भी अपने हाथों से। पोपटलाल ने सबसे पहला रसगुल्ला खाया और उसे 10 out of 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। फर्स्ट रसगुल्ला 10 out of 10, बट जैसे ही उसने ट्यूजडे के हाथ से सेकेंड रसगुल्ला खाया उसका सेटिस्फेक्शन उसे थोड़ा सा कम मिला, कितने का, 8 का। जैसे ही थर्ड साली के हाथ से रसगुल्ला खाया वेडनेसडे के, उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम हो गया। धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। जैसे ही फोर्थ नंबर की साली ने उसे रसगुल्ला खिलाया उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, कितना हो गया, 4 का। फिफ्थ नंबर की साली, जीजू मेरे हाथ से भी, और जैसे ही हमारे पोपटलाल ने ये वाला रसगुल्ला खाया सेटिस्फेक्शन और डाउन हो गया, कितना, 2। अब तो हद हो गई, पोपटलाल ने मना कर दिया अब और नहीं खाऊंगा। बट साली नंबर 6, नहीं जीजू आपको तो मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा। जैसे ही पोपटलाल ने कंज्यूम किया उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 0 सेटिस्फेक्शन। एट द एंड बात आती है संडे की। संडे ने बोला जीजू लास्ट वाला आपको तो खाना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं संडे हूं, संडे को सबकी छुट्टी होती है, आपको तो बड़ा वाला रसगुल्ला खाना पड़ेगा। और जैसे ही पोपटलाल ने लास्ट वाली साली के हाथ से रसगुल्ला खाया उन्होंने पूरी की पूरे रसगुल्ले को उल्टी कर दिया, मतलब -2। ये हुआ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा टॉप से डिक्लाइन होने लगती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो 0 हो जाती है, और अगर हद से ज्यादा खा ले तो नेगेटिव में चली जाती है। अब बात करेंगे हम लोग टोटल यूटिलिटी की। बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। फर्स्ट रसगुल्ला खाने से हमें 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन भी कितना मिलेगा, इनिशियल लेवल पे हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन भी 10 का होगा। उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड रसगुल्ला कंज्यूम किया हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दोनों का टोटल कर दो 18। और जैसे ही हमने तीसरा रसगुल्ला खाया हमें तीसरे रसगुल्ले से टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, टोटल सेटिस्फेक्शन 24। और जैसे हमने फोर्थ वाला रसगुल्ला खाया हमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, चारों को इंक्लूड कर दो, टोटल कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 28। जैसे हमने फिफ्थ वाला रसगुल्ला कंज्यूम किया कितनी हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी, पूरा का पूरा ऐड कर दो, पूरा ऐड कर दो, टोटल हो जाएगा 30। लास्ट वाला रसगुल्ला, उसके सेकंड लास्ट वाला हमने खाया, सिक्स्थ वाला, क्या हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, 0। इसका मतलब इस केस में जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो उतना का उतना ही होगा। सेवेंथ वाला, लास्ट वाले रसगुल्ले में क्या हुआ,
जैसे हमने लास्ट वाला रसगुल्ला कंज्यूम किया हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो गया, इसका मतलब हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, दो कम हो जाएगा, कितना हो गया 28। इसका मतलब ये कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, बट मार्जिनल यूटिलिटी कुछ समय तक पॉजिटिव, फिर जीरो और उसके बाद नेगेटिव में चली जाती है, बट टोटल यूटिलिटी हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। अब बात कर लेते हैं डायग्राम ऑफ टीयू एंड एमयू की। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पर आप लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को लोगे, जो हमारी क्या थी, रसगुल्ला, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर आपको टीयू एंड एमयू को लेना है, वो भी दो दो के गैप से 2, 4, 6, 8, 32 तक ले लेते हैं, बट कुछ पॉइंट्स को हमको नेगेटिव में भी लेना है, क्योंकि सेवेंथ वाला जो रसगुल्ला था उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई थी, तो -2, -4। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का आपको ड्रॉ करने के लिए हमें शेड्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप लोग शेड्यूल में मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम को चेक कर सकते हो। जैसे ही हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की हमें सेटिस्फेक्शन 10 का मिला, सेकेंड कमोडिटी पर हमें सेटिस्फेक्शन 8 का मिला, थर्ड वाले पर सेटिस्फेक्शन 6, फोर्थ वाले पर सेटिस्फेक्शन 4, फिफ्थ वाले पर सेटिस्फेक्शन 2, सिक्स वाले पर सेटिस्फेक्शन 0, और जैसे हमने सेवेंथ वाली कमोडिटी कंज्यूम की सेटिस्फेक्शन लेवल नेगेटिव हो गया -2। आइए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये रहा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। इस नेगेटिव वाले पार्ट्स को, इस नेगेटिव वाले पार्ट्स को हम लोग डिसयूटिलिटी बोलते हैं, इसे कहते हैं डिसयूटिलिटी। आइए अब हम लोग टोटल यूटिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया हमारी टोटल यूटिलिटी 10 थी, इसका मतलब इनिशियल लेवल पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होते हैं, दैट इज 10। सेकेंड यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 18 हो गई, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी 24 हो गई, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी 28 हो गई, और फिफ्थ वाले पर हमारी टोटल यूटिलिटी 30 पहुंच गई। बट जैसे हमने सिक्स्थ वाला यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी में नो चेंज, दैट इज कॉन्स्टेंट 30 का 30। बट जैसे ही सेवेंथ यूनिट कंज्यूम किया हमारी टोटल यूटिलिटी घटने लगी, इसका मतलब स्टार्ट फॉलिंग डाउन, कितना हो गया 28। आइए अब बनाते हमारे टोटल यूटिलिटी कर्व को। ये टाइम आपका कांस्टेंट, फिर नीचे की तरफ घटने लगा, ये है आपका टोटल यूटिलिटी कर्व। आइए अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इस रिलेशनशिप को हमें फोर स्टेज में स्टडी करना है। फर्स्ट स्टेज पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होते हैं, दैट इज 10। सेकेंड स्टेज पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, घटने लगती है, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होने लगता है। जरा देखो यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, और 2, 3, 4 तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। यह है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 3 पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और इसी स्टेज पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज 30। अब आप लोग बोलोगे कि 30 तो ये भी है और ये भी है, तो किसको मैक्सिमम माने, तो मैक्सिमम उसे मानना है जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी 6 यूनिट की जीरो है। ये हो गया हमारा, इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या कहते हैं इसे?
पॉइंट ऑफ सटैटी, उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। फोर्थ स्टेज, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। इन्हीं फोर स्टेजेस को हमें इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। हमारा इनिशियल लेवल पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनाइजिंग रेट। डिमिनाइजिंग रेट मींस स्लोली स्लोली वो इंक्रीज होता है इस वाले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सटैटी। यहीं पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है टोटल यूटिलिटी फॉल्स डाउन। यही वाला था ना हमारा फोर्थ स्टेज, टोटल यूटिलिटी फॉल्स डाउन। ये थे हमारे फोर पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। आइए अब देख लेते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग्स को। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। आइए देखते हैं इसके क्या मीनिंग निकल के आती है। टोटल यूटिलिटी मींस टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हमारे पोपटलाल को सात रसगुल्ले से मिलने वाला ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, इसे ही कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। हमको एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है यही होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंट मीनिंग है, मैंने आपको कुछ अलग मीनिंग लिखा है। इस मीनिंग को आप बिंदास लिख के आओ, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। और अगर आपके मार्क्स कट हुए तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दूंगा, आप अपना नाम बदल लेना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।